लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। चुनाव आयोग के पास रोज दर्जनों शिकायतें पहुंच रही हैं। कुछ मामलों को छोड़ दिया जाए तो आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसे लेकर पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा सवाल उठा रहे हैं। तो क्या कहा पूर्व ईसी ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग सबसे ज्यादा सक्रिय दिखाई देता है। आयोग का काम सिर्फ चुनाव कराना ही नहीं होता, बल्कि चुनाव में सभी को बराबरी का मौका मिले, चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी हो, साथ ही राजनीतिक दल आचार संहिता का भी पालन करे। लेकिन इस बार के चुनाव में आचार संहिता की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। ऐसे में कुछ मामलों पर तो आयोग ने तुरंत ही कार्रवाई की, लेकिन कुछ अब तक ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। इसे लेकर पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने अहम बयान दिया है। लवासा ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में तेजी से फैसला लेने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी MCC तोड़ने वालों को 72 घंटे के भीतर दंड देने की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने देश के राजनीतिक माहौल पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस माहौल में MCC यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की प्रभावशीलता कम हो गई है, इसके उल्लंघन की घटनाएं बढ़ गई हैं, बड़े पैमाने पर हो रही हैं और विकराल रूप ले रही हैं। नेता पहले से कहीं ज्यादा तीखे हमले कर रहे हैं, पैसे ने ताकत की जगह ले ली है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक भाषणों में एक निश्चित स्तर की शालीनता और अनुशासन बहाल करने के लिए ये जरूरी है। बार बार उल्लंघन करने वाले लोगों के लिए लवासा ने कहा कि ये प्रावधान करना चाहिए कि निश्चित अवधि के बाद चुनावों में स्टार प्रचारक के रूप में उन्हें जगह नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के पास कई नेताओं की शिकायतें की गई हैं, लेकिन देखा जाए तो पीएम मोदी के खिलाफ कई शिकायतें पहुंची हैं। ऐसे में पूर्व चुनाव आयुक्त के इस बयान के अहम मायने निकाले जा रहे हैं। विपक्ष की शिकायतों पर चुनाव आयोग ने कोई सख्त कार्रवाई तो अब तक नहीं की है, लेकिन अब पूर्व चुनाव आयुक्त के बयान ने BJP के लिए मुश्किल पैदा कर दी है। DB लाइव की रिपोर्ट।